लगता है आज बरखा रानी बहुत जम के बरसने वाली है। बरखा रानी जरा जम के बरसो, मेरा ना 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 झूम के बरसो। वाह बाबा, आज तो बहुत खुश नजर आ रहे हो। बरखा जो आने वाली है पीकू। हाँ वो तो ठीक है बाबा, पर सोचा है कि बरखा रानी आएंगी तो विराजेंगी कहाँ? ये क्या सवाल हुआ पीकू? और क्या, बारिश का पानी जमा होगा खेतों में, हमारी गलियों में और कहाँ। हाँ बच्चों, यही तो परेशानी है। है? हाँ भाई, एक वक्त था जब बारिश के पानी से बावड़ियों, कुओं, तालाबों में पानी भरा रहता था। सिर्फ 4 महीने की बारिश से 12 महीने पानी का सुख मिलता था। वो कैसे? वो ऐसे छोटी कि बारिश का पानी धरती में जाकर कुओं, तालाबों और बावड़ियों में पानी का स्तर बनाए रखता है। यानी बारिश के पानी से भूजल रिचार्ज हो जाता है। हाँ। अच्छा बताओ तो, ट्यूबवेल में पानी कहाँ से आता है? भूजल से। और भूमि में जल कहाँ से आता है? बारिश से। बिल्कुल सही बोला छोटी। पर अब तो पीकू बावड़ियों, कुओं, तालाबों पर सिर्फ कूड़ा कचरा ही दिखाई देता है। अरे रोती क्यों हो छोटी, कोई जुगत करते हैं। आइडिया, सब मिलकर बावड़ियों, कुओं और तालाबों को साफ करें। हाँ, जिससे बारिश का पानी हमारे सूखे पड़े कुएं, तालाबों, बावड़ियों और अन्य पानी के स्रोतों को फिर से पानी से भर दे। तो याद रखें, कैच द रेन व्हेन इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स, कैच द रेन व्हेन इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स। अरे क्या हुआ, किन ख्यालों में डूबी हो रिकू? अरे पीकू, तुम सोच रही थी बारिश का मौसम आने वाला है और उसके आते ही मुसीबतें ही मुसीबतें। अरे मॉनसून आते हैं तो खुशियां आती हैं, और तुम कह रही हो मुसीबतें ही मुसीबतें। बोलो तो, जगह जगह पानी कब जमा होता है? मॉनसून में। ट्रैफिक जाम कब होता है? मॉनसून में। घरों के आगे गले गले तक पानी कब भर जाता है? मॉनसून में। तो बोलो, अब मॉनसून को मुसीबत ना बोलूं तो क्या बोलूं? पर रिकू, कभी सोचा है कि पानी का जो घर है वो वहाँ ना जाकर तुम्हारे गली मोहल्लों या सड़कों पर क्यों आ जाता है? पानी का घर, समझी नहीं। अरे पानी का घर यानी बावड़ियाँ, तालाब, कुएं, जो आज शहरों में लगभग खत्म ही हो चुके हैं। अरे शहरों में कहाँ होते हैं तालाब, बावड़ियाँ, कुएं? अरे होते हैं रिकू, पर सब इन बड़ी बड़ी इमारतें बन जाने के कारण कहीं दबके रह गए, और जो बचे खुचे हैं वो गंदे हो गए। पेड़ और जंगल भी खत्म हो गए जो बारिश का पानी और भूमिगत जल का स्तर बढ़ाने में मदद करते थे। सो सैड, पर अब कुछ नहीं हो सकता क्या? हो तो सकता है, तो ध्यान से सुनो। पहला, जब बारिश आए तो उसके पानी को छत या किसी टैंक में स्टोर करने की कोशिश करें। जैसे यहाँ इन टैंकों में वर्षा का पानी इकट्ठा हो रहा है और धरती के अंदर भी जा रहा है, देखो इस तरह से। वाह, ये तो बहुत अच्छा हो रहा है। और दूसरा? दूसरा, जो तालाब, बावड़ियाँ और कुएं बचे हुए हैं उन्हें साफ करके इस्तेमाल के लायक बनाएं। और पेड़ लगाएं, और ये मंत्र कभी ना भूलें। हाँ, सभी को बताएं भी, अपनाएं भी। Catch the rain where it falls, when it falls. Catch the rain where it falls.
जल मंत्रालय के कैच द रेन आंदोलन और अभियान में मैं माननीय प्रधानमंत्री को धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस देश में पानी की एक नई परंपरा की जो नींव रखी है, यही आने वाले समय में सबके लिए पानी जुटाएगी। और इसकी सफलता इसी बात पर साफ दिखाई देती है और इसका प्रतीक ये है कि आज देश के प्रमुख और देश के गांव के प्रमुख सब एक साथ एक मिल करके पानी के प्रति चिंता कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि देश में और दुनिया में हमने प्रकृति परंपरा और पानी को जो सामूहिक रूप से सोचने की शुरुआत की है, इसी के हमको आने वाले समय में बेहतर परिणाम मिलने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने आज तक जो कोशिश नहीं की और वो दिखती है अब कि प्रकृति का विज्ञान और प्रबंधन सबसे बेहतर है, वो पानी के लिए भी सटीक बैठता है। क्योंकि आज अगर नदी नालों गांव और तालाबों कहीं भी पानी उपलब्ध है, ये स्वीकार कर लेना चाहिए कि ये प्रकृति के विज्ञान और प्रबंधन की देन है और इसी से सीखकर शायद हम आने वाले समय के बेहतर रास्ते तैयार कर पाएंगे। हमें स्वीकार लेना होगा कि आज अगर पानी के संकट से बचना है तो शायद ऐसी ही मुहिम कैच द रेन जैसे हमारे अगर आने वाले समय में ये हमारे अनुभव पहले के और आज के जोड़कर हम चलेंगे, हम निश्चित रूप से एक नए पानी के बड़े रास्ते तैयार कर पाएंगे। और ऐसे ही प्रकृति के विज्ञान को सोच समझकर एक प्रयोग भी साधा गया और 2010 में आसन गंगा उत्तराखंड की एक छोटी सी नदी जो सूख चुकी थी, मर चुकी थी, इसकी वन विहीनता के कारण जब इसने पानी खो दिया प्रकृति के विज्ञान को समझते हुए, इसमें जल छिद्रों का निर्माण किया गया और पूरी तरह पाट दिया गया। परिणाम सामने था, जहां एक तरफ नदी में पानी की वापसी हुई, वहीं दूसरी तरफ उस नमी ने जो जलागम में थी उसने नए पौधों को जो प्राकृतिक और स्थानीय पौधों थे उनको भी साथ में जुटा लिया और वनों की आग कभी यहां नहीं पनप सकी। ये प्रयोग देश भर में चला और बहुत से लोगों ने नदी नालों को सिंचित करने के लिए, धारों के लिए जल छिद्रों का प्रयोग शुरू किया। लेकिन एक बड़ा प्रयोग जो कि महत्वपूर्ण है यहाँ पे कि जम्मू कश्मीर की करीब 130 पंचायतों के सरपंचों ने मिलकर के इसे एक मुहिम बना दिया और 2018 में उस जिले के करीब 30 ब्लॉक ने मनरेगा के माध्यम से जल छिद्रों को एक आंदोलन के रूप में बदल दिया। और परिणाम सामने था कि मात्र अपने गांव के पानी की ही व्यवस्था नहीं की जुटाई, बल्कि चेनाब जैसी बड़ी नदी की सहायक नदियों के लिए भी पानी के रास्ते तैयार किए। मैं समझता हूं कि इस तरह के प्रयोग और ये जो मुहिम कैच द रेन की शुरुआत की गई है, मैं इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री को नमन भी करता हूं, प्रणाम भी करता हूं कि दुनिया का यह एक बहुत बड़ा उदाहरण बनेगा कि जन सहभागिता से संसाधनों की वापसी कैसे तय की जाती है। मैं जल मंत्री, जल मंत्रालय को भी बधाई देता हूं कि उन्होंने बड़ा आधारिक रास्ते तैयार किए हैं पानी को जोड़ने के। और यही एक ऐसी मुहिम है जो आने वाले समय में इस देश के को पानी के संकटों से उबार पाएगी। और ये भी तय है कि पानी के लिए दो सोच नहीं हो सकती, और अगर ये एक ही सोच है तो सारे देश को एक साथ जुट करके कैच द रेन जैसे अभियान और आंदोलन में भागीदारी होगी और ये देश के लिए नहीं, हर घर के हर गांव का भी उत्तर आज पानी के सवालों में इसी में छुपा है। और मैं इसके साथ ही इस अभियान की सफलता की कामना करता हूं और एक बार फिर नेशनल वाटर मिशन जो कि आज देश में अपनी गहरी जड़ें बना चुका है उससे और उसके साथ जुड़ने के लिए पूरे देश का आह्वान भी करता हूं कि इस अभियान को सफल बनाने के लिए सबकी भागीदारी तय हो सके। और मैं धन्यवाद भी दूंगा इस मिशन को कि इन्होंने एक नई शुरुआत की है आने वाले समय में पानी के रास्ते के लिए। आप सबको प्रणाम। विश्व जल दिवस के उपलक्ष में सभी मित्रों को आज मेरी शुभकामना है। मैं झाबुआ से महेश शर्मा। झाबुआ में
जल संग्रहण के क्षेत्र में एक उल्लेखनीय कार्य हुआ है और उस उल्लेखनीय कार्य को मैं आप सबके सामने बताना चाहता हूँ। झाबुआ अंचल एक भारत का जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है। इसमें 87% भील जनजाति निवास करती है। भील जनजाति उन सारी समस्याओं से ग्रसित है जिससे हम सभी जूझ रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग के साथ जल की भी भीषण समस्या है, कई बार पीने का पानी भी वहाँ नहीं मिलता है। लेकिन इन सारी स्थितियों में रहते हुए भी उस समाज के अनेक पुरुषार्थी गुण हैं, गरीब है पर स्वाभिमानी है, और इसीलिए उस समाज ने प्राचीन कहानी के आधार पर कि भगीरथ गंगा लाए, ये पुरुषार्थ की कहानी को उन्होंने चरितार्थ किया। दुखों में रहते हुए भी सामाजिक समृद्धि के लिए सोचते हैं और करते हैं। उन्हीं परंपराओं में एक सामूहिक परंपरा है हलमा। हलमा परंपरा दूसरों के दुख दूर करने के लिए होती है। उस हलमा परंपरा के माध्यम से झाबुआ जिले के सैकड़ों गांव में वर्षा जल को रोकने के लिए उन्होंने जल संरचनाएं बनाई। 8-10 सालों के अंदर 70 गांव में 90 तालाब बनाए, लाखों जल संरचनाएं बनाई, जिनके माध्यम से 1,000 करोड़ लीटर पानी प्रतिवर्ष संग्रहित होने लगा। पानी रुकने लगा तो जंगल लगने लगे, जंगल लगे एक विश्वास पैदा हुआ। जिस समाज को लोग एक प्रकार से समस्या समझते थे वो समाधान बन गया। लोग उसको समझते थे कि ये लायबिलिटी है, वो भारत के नहीं विश्व के लिए एक एसेट बन करके उभर रहा है। झाबुआ का जो भील समाज है वो कर्म प्रधान पुरुषार्थी समाज है। उसने अपनी हलवा परंपरा के माध्यम से जल संरचनाएं बनाकर जल रोचने का अद्भुत काम किया है, सभी को देखने लायक है। और पूरा समाज इस बात के लिए प्रेरणा दे रहा है कि केवल विचार करना अधूरापन है, विचार और कार्य एक साथ होना चाहिए, तभी हम जल समस्या का निदान कर सकते हैं। आज विश्व जल दिवस के ऊपर ये अवसर है कि हम झाबुआ के जो निवासी जनजाति समाज है उसकी ओर देखें, उसके ढंग का काम करें और आगे बढ़ें। सभी को प्रणाम, नमस्कार। नमस्कार मित्रों, दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद माननीय मोदी जी ने राष्ट्र के सामने बड़ी चुनौती जल संकट के स्थायी समाधान के लिए विभिन्न मंत्रालयों और अनेक विभागों को एकीकृत कर एक नए जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया। माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में मंत्रालय ने देश को जल समृद्ध बनाने और हर घर तक नल से जल पहुंचाने के लिए अनेक काम प्रारंभ किए हैं। वर्षा जल के संरक्षण हेतु गत वर्ष व्यापक स्तर पर जल शक्ति अभियान चलाया गया था। उसी के क्रम में जल शक्ति मंत्रालय के राष्ट्रीय जल मिशन के तहत कैच द रेन वेयर इट फॉल्स इस नाम से एक व्यापक देशव्यापी कैंपेन की शुरुआत की गई है। सारे राज्य और सब स्टेक होल्डर्स ने मिलकर इस काम के लिए सस्टेनेबल रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स विकसित करने, जलाशयों तालाबों में और उनके कैचमेंट एरिया में अतिक्रमण हटाने, उनकी भराव की क्षमता को बढ़ाने के लिए डीसिल्टिंग जैसी प्रक्रिया और ऐसी सारी जरूरी गतिविधियां मानसून आने के बहुत पहले ही शुरू कर दी थी। इन गतिविधियों को सरल और सहज बनाने के लिए हर जिले के में कलेक्ट्रेट और नगरीय निकाय में रेन सेंटर खोले जा रहे हैं। इन रेन सेंटर्स में पानी के बारिश के पानी को कब, कहां और कैसे रोक सकते हैं इस संबंध में प्रशिक्षित कर्मचारी सब लोगों को तकनीकी निर्देश देंगे। मुझे विश्वास है कि इस बार जबकि हम सब ने मिलकर तैयारियां पहले ही शुरू कर दी हैं, हम सभी
बहते हुए पानी को रोककर एकत्रित करने या भूजल में वापस पुनर्भरण करने, जमीन में पुनर्भरण करने के उपयोग में सफल रहेंगे। भारत के जल संकट के लिए ऐसा करना निश्चित रूप से लाभदायक होगा। आइए हम सब संकल्प लें कि घर का पानी घर में, आंगन का पानी आंगन में और खेत का पानी खेत में रोकेंगे। कैच द रेन वेयर इट फॉल्स। धन्यवाद। इंडिया इज सो फॉर्चुनेट टू हैव मोर रेनफॉल देन ऑल यूरोप पुट टुगेदर। दो वी हैव सो मच मोर रेनफॉल, our greenery is much less than what we see in the continent of Europe or America. We need to recharge our groundwater. Art of Living has been doing this from over a decade now, rejuvenating 43 rivers in south of India, Maharashtra, and thousands of ponds all over the country. We need to recharge our groundwater, we need to preserve our water bodies, keep them clean, make the water body store rainwater, and you know, rainwater is the most pure water which we can use it for even drinking. So I would appeal to all of you to make efforts to store rainwater at home and in your fields. Let's join the Jal Shakti mission and save the rainwater mission to collect rainwater, to store it, and to recharge the groundwater and make this country Sujalam, Sufalam, make it more greener, more prosperous with pure water. I congratulate the Ministry of Jal Shakti for launching this campaign, Catch the Rain. It's very timely and much needed campaign. And I appeal to everyone to participate, to see that the water resources are well utilized that nature has provided us. Jai Hind. पानी को लेकर हमें इसी तरह अपनी सामूहिक जिम्मेदारियों को समझना होगा। भारत के ज्यादातर हिस्सों में मई जून में बारिश शुरू होती है। क्या हम अभी से अपने आसपास के जल स्रोतों की सफाई के लिए, वर्षा जल के संचयन के लिए 100 दिन का कोई अभियान शुरू कर सकते हैं? इसी सोच के साथ अब से कुछ दिन बाद जल शक्ति मंत्रालय द्वारा भी जल शक्ति अभियान कैच द रेन भी शुरू किया जा रहा है। इस अभियान का मूल मंत्र है कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स। हम अभी से जुटेंगे, हम पहले से जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है उन्हें दुरुस्त करवा लेंगे, गांवों में, तालाबों में, पोखरों की सफाई करवा लेंगे, जल स्रोतों तक जा रहे पानी के रास्ते की रुकावटें दूर कर लेंगे, तो ज्यादा से ज्यादा वर्षा जल का संचयन कर पाएंगे। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, नमस्कार। इन मेनी इंडियन लैंग्वेजेस द वर्ड फॉर वाटर इज जीवन और लाइफ। वी कैनॉट थिंक ऑफ लाइफ विदाउट वाटर। इट्स ए स्केर्स नेचुरल रिसोर्स दैट सस्टेन्स ऑल ऑफ अस। बट वी डोंट हैव अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ वाटर। India has about 18% of the total world population, but only 4% of potable water. This means that unless we conserve this precious commodity, we'll face a major crisis soon. We cannot allow that to happen. All public institutions, government offices, universities, IITs, colleges and schools must take lead, and every house must have rainwater harvesting. Both in urban areas and rural areas, rainwater harvesting system must be made mandatory while sanctioning plans. We must ensure that water is not wasted and the groundwater reserves are recharged when the rain falls on the ground. We must catch the rain and store it. We must revive our indigenous water harvesting systems and village tanks and ponds. Drip and sprinkler systems have to be promoted in a big way.
I'm happy that the National Water Missions campaign is taking up a timely initiative called Catch the Rain When It Falls to take concerted action in this direction as and when rain falls. Water conservation must become a societal mission like the Swachh Bharat Abhiyan. There is no better way to secure our future than to save every drop of rain. Swachh Bharat Abhiyan ki tarah jal samrakshan ko bhi ek jan andolan jan abhiyan banana hoga. Bhavishya ko surakshit karne ke liye bund bund pani ka samrakshan karne se behtar koi tarika nahi ho sakta hai. Jai Hind. गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती कावेरी नर्मदे सिंधु जलस्मिन् सन्निधिं कुरु। जल ईश्वर स्वरूप है, सौम्य शालीन जीवनदायक। प्रकृति का दिया ये जल रूपी वरदान पृथ्वीवासियों के लिए सिर्फ एक विरासत नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है जिसे आने वाली पीढ़ी के लिए संभालना आवश्यक है और इस उद्देश्य की ओर पूरी निष्ठा से कार्य कर रहा है राष्ट्रीय जल मिशन जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार। खेती के उपयोग में आने वाले पानी का अधिकतम उपयोग हो इस दृष्टिकोण से मंत्रालय माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में काम कर रहा है और हमने नेशनल वाटर मिशन में 20% तक पानी के उपयोग में कमी लाने का लक्ष्य रखा है। सतह पर जो जल उपलब्ध है उसका उचित प्रबंधन, भूगर्भ के जो हमारे स्रोत हैं उनका ठीक से उपभोग हो, जो पानी हम अलग अलग क्षेत्र में उपयोग में लेते हैं उसका विवेकपूर्ण उपयोग हो और उसके साथ साथ में जो पानी उपयोग के बाद में निकलता है उसका ठीक से ट्रीटमेंट हो, तो हम जल सुरक्षित देश को बना सकते हैं। जलवायु परिवर्तन का विशेष ध्यान रखते हुए नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के तहत नेशनल वाटर मिशन की स्थापना की गई ताकि जल संरक्षण को बढ़ावा मिले, जल की बर्बादी को कम किया जा सके और राज्यों के भीतर एवं राज्यों के बीच जल का अधिक समान रूप से वितरण सुनिश्चित किया जा सके। राष्ट्रीय जल मिशन के प्रमुख उद्देश्य हैं जल का डेटाबेस सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत रखना और जल संसाधनों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का आकलन करना, जल संरक्षण वृद्धि और संरक्षण के लिए नागरिक और राज्य कार्रवाई को बढ़ावा देना, शोषित क्षेत्रों सहित संवेदनशील क्षेत्रों पर ध्यान देना, 20% तक जल उपयोग कुशलता में वृद्धि करना और बेसिन स्तर के एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन को बढ़ावा देना। देश के अंदर जितनी भी वर्षा होती है एक वर्ष के अंदर हम उसका केवल 8% ही बचा पा रहे हैं, तो ऐसी दृष्टि को मद्देनजर रखते हुए हमें युद्ध स्तर के ऊपर जो है अपने जल प्रबंधन के कार्य को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है और हमारा मंत्रालय जो है उस दिशा के अंदर सतत प्रयास कर रहा है। अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए राष्ट्रीय जल मिशन ने अनेकों कदम उठाए हैं जिसके तहत कैच द रेन नामक एक खास कैंपेन शुरू किया गया है जिसकी टैगलाइन है कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स। इसमें राज्य सरकारों, सामाजिक संस्थानों, सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों से एप्रोप्रिएट रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स का निर्माण और उसके उपयोग का अनुरोध किया है जो कि वहाँ के सॉइल और क्लाइमेटिक कंडीशंस के अनुरूप हो और वर्षा के पानी को बचाने और कुशलता से उपयोग करने की इस मुहिम में अधिकाधिक लोगों को साथ जोड़ने की पहल की गई है। साथ ही विभिन्न कलेक्टर्स को जिला स्तर पर रेन सेंटर्स की शुरुआत करने का अनुरोध भी किया गया है जिसके माध्यम से आम लोगों को वर्षा जल संचय से जुड़ी तकनीकी जानकारी दी जा सके। कुछ प्रमुख संस्थानों और मंत्रालयों ने वर्षा जल को संरक्षित करने के लिए कदम भी उठाए हैं। जल संरक्षण में समाज की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए कई संस्थाओं को भी साथ जोड़ने की पहल की गई है। Both in urban areas and rural areas, rainwater harvesting system must be made mandatory while sanctioning plans. We must ensure that water is not wasted
and the groundwater reserves are recharged when the rain falls on the ground. We must catch the rain and store it. I'm happy that the National Water Missions campaign is taking up a timely initiative called Catch the Rain When It Falls. वर्षा जल संचय की महत्ता को ध्यान में रखते हुए समाज की जानी मानी हस्तियों ने भी इस कैच द रेन कैंपेन को बढ़ावा और सहयोग दिया। राष्ट्रीय जल मिशन लगातार जल संरक्षण हेतु ट्रेडिशनल वाटर सिस्टम के रिवाइवल के लिए कार्य कर रहा है। इस दिशा में भारत के स्टेप वेल्स की धरोहर को संजोते हुए राष्ट्रीय जल मिशन द्वारा स्टेप वेल्स ऑफ इंडिया नामक एक किताब लोकार्पित की गई, जिसमें 100 यूनिक और इंटरेस्टिंग स्टेप वेल्स की जानकारी मौजूद है। ग्राउंड वाटर जिसको हम भूजल कहते हैं, उसका दोहन इतना ज्यादा हो गया है कि आने वाले दिनों में वहाँ पानी बिल्कुल ही उपलब्ध नहीं होगा। तो इसलिए जो ऐसे इलाके हैं, खासकर वल्नरेबल एरिया जिसको हम बोलते हैं, उन क्षेत्रों के लिए भी काम नेशनल वाटर मिशन कर रहा है। पानी का प्रबंधन केवल केंद्र सरकार या राज्य सरकार के प्रयासों से नहीं हो पाएगा। जिसको हम कहते हैं पार्टिसिपेटरी इरिगेशन मैनेजमेंट, वो बहुत जरूरी है। जैसे अभी एक वाटर टॉक की सीरीज शुरू की गई है, जिसमें जल संगोष्ठी का आयोजन करके लोगों को जागरूक करना, कैसे लोग पानी को बचाएं, कैसे पानी का सही उपयोग करें, इस दिशा में भी नेशनल वाटर मिशन काम कर रहा है। जल संरक्षण की अधिकाधिक जागरूकता और प्रशिक्षण का फैलाव भी किया जा रहा है, जिसके तहत वाटर टॉक नामक लेक्चर सीरीज चलाई जा रही है। इस पहल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वाटर टॉक सीरीज को डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आगे पहुंचाया गया, और जिसके कारण न केवल प्रतिभागियों की संख्या बढ़ी बल्कि देश विदेश से भी लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। साथ ही इन वाटर टॉक्स का सार एक बुक में भी कंपाइल किया गया है। इसके अलावा नेशनल वाटर मिशन की तरफ से वाटर कंजर्वेशन के अलग अलग टॉपिक्स पर टेक्निकल सेमिनार्स और वेबिनार्स भी किए जाते रहे हैं। साथ ही जिला अधिकारियों और म्युनिसिपल कमिश्नर्स के साथ वीकली वेबिनार्स भी किए जाते हैं, जिसमें उनके द्वारा उनके क्षेत्र में की जा रही बेस्ट प्रैक्टिसेस की चर्चा की जाती है। एवरी डीएम्स को रिक्वेस्ट किया कि हर जिले में एक रेन सेंटर, नहीं तो एक जल शक्ति केंद्र खोलने के लिए। जल शक्ति केंद्र में जल के बारे में जितने भी जानकारी लोगों को मिलना चाहिए उसी के बारे में जानकारी मिलते हैं। बट वी हैव टू मेक पीपल अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ वाटर एंड एंगेज दम इन डिस्कशंस, एंगेज दम इन द इन थिंकिंग अबाउट द वैल्यू ऑफ वाटर, सो दैट दे लीव बिहाइंड अ वेरी गुड लेगेसी फॉर देयर नेक्स्ट जनरेशन। सिंचाई क्षेत्र में सुधार के लिए 26 बेसलाइन स्टडीज भी की गईं, और साथ ही मांग प्रबंधन यानी डिमांड साइड मैनेजमेंट के लिए सही फसल नामक कैंपेन चलाया जा रहा है, ताकि किसानों को उनके क्षेत्र के अनुसार कम पानी की खपत वाली फसल की बुआई के लिए शिक्षित और प्रोत्साहित किया जा सके, और इसके लिए किसानों को वर्कशॉप्स भी दी जा रही है। राष्ट्रीय जल मिशन के इस कैंपेन के चलते कुछ राज्यों ने क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को प्रोत्साहित करने के लिए अपनी पॉलिसी में बदलाव भी किए। औद्योगिक क्षेत्र में भी जल के कुशल उपयोग के लिए नेशनल वाटर मिशन लगातार निगरानी बनाए हुए है, जिसके तहत कई विभिन्न उद्योगों में वाटर ऑडिट्स भी किए जा रहे हैं। BIS की पार्टनरशिप के तहत वाटर अप्लायंसेस के स्टार रेटिंग का काम भी हो रहा है। जल क्षेत्र में स्टेट स्पेसिफिक एक्शन प्लान की संरचना के लिए राष्ट्रीय जल मिशन द्वारा राज्यों को वित्तीय सहायता भी दी जाती है। इतना ही नहीं, विभिन्न रूप से जल संरक्षण को व्यवहार में लाने वाले संस्थानों को प्रोत्साहित करने के लिए नेशनल वाटर मिशन अवार्ड्स के जरिए 45 लाख रुपए तक के कैश प्राइजेस भी वितरित किए गए। साफ पानी और स्वच्छता मानव जीवन को पूर्ण रूप देते हैं, ये सच है। जल जीवन है, जल ही शक्ति है।
किए जाते रहे हैं। साथ ही जिला अधिकारियों और म्युनिसिपल कमिश्नर्स के साथ जलमेव जीवनम, जल ही जीवन है, या यूं कहें कि जल है तो जीवन है। आप सभी लोगों को शिल्पा भावना का सादर नमस्कार और आज के कार्यक्रम में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन। माननीय मंत्री जल शक्ति,
मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री, माननीय राज्य मंत्री जल शक्ति जो अभी कुछ ही देर में हमारे बीच यहाँ पर होंगे, सचिव जल शक्ति मंचासीन गणमान्य, मीडिया के मित्र और यहाँ पर पधारे हुए उपस्थित आप सभी सहयोगी, और साथ ही आज के हमारे इस कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से देश के कोने कोने से जुड़े हुए सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन। और सबसे पहले आप सभी लोगों को विश्व जल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू अ वेरी हैप्पी वर्ल्ड वाटर डे। जब हम वर्ल्ड वाटर डे की बात कर रहे हैं तो इस साल की जो थीम है विश्व जल दिवस की, उसे रखा गया है वैल्यूइंग वाटर, यानी कि पानी का मोल समझना है। और ये हम सभी के लिए जरूरी भी है। कहा जाता है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी के बिन ना बचे मोती मानुष चून। यानी मनुष्य हो या प्रकृति, हम सभी के अस्तित्व को अलंकृत करता है जल। इसीलिए जल का संचयन हम सभी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसीलिए आज हम सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं ताकि हम सभी लोग जल संग्रहण और जल संचयन के लिए पुरजोर कोशिश करें और सामग्रिक विकास के लिए पानी की हर बूंद का इस्तेमाल कर सकें। We all are here today to rededicate ourselves to water conservation, to catch the rain where it falls, when it falls। यानी कि घर का पानी घर में, खेत का पानी खेत में और गांव का पानी गांव में। We all are here to make best use of every available drop of water for sustainable development। हम सभी को मिलकर इसके लिए काम करने की जरूरत है। हम सभी लोग आज बारिश के मौसम की शुरुआत से पहले ही इस जल शक्ति अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। उसका कारण ये है कि हम सभी लोग पानी को अपनी प्राथमिकता बनाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि ये जो जल आंदोलन है, ये जन आंदोलन का रूप ले। और वो तभी हो सकेगा जब देश के कोने कोने से, हर जिले से, हर ग्रामीण क्षेत्र से, हर शहरी क्षेत्र से हम सभी लोग मिलकर एक साथ पानी के संचयन के लिए, जल संचयन के लिए कार्यरत हो। आप सभी को हम बताना चाहेंगे कि आज हमें एक ऐतिहासिक समझौते के साक्षी होने का भी सौभाग्य मिलेगा। परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में राष्ट्रीय परिपेक्ष्य योजना की पहली नदी इंटरलिंकिंग परियोजना को लागू करने के लिए केंद्र जल शक्ति मंत्री तथा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के बीच केन बेतवा परियोजना पर आज एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। आई वुड लाइक टू शेयर विद यू दैट दिस अग्रीमेंट हेराल्ड्स द बिगिनिंग ऑफ इंटर स्टेट कोऑपरेशन टू इम्प्लीमेंट The vision of Sri Atal Bihari Vajpayee to carry water from areas that have surplus water to drought-prone and water-deficit areas through the interlinking of rivers. तो आज हम सभी लोग एक ऐतिहासिक क्षण के भी साक्षी होंगे और साथ ही उस साक्षात्कार को लेकर हम सभी लोगों को इस बात को अपने जहन में बिठाना है कि आज से ही हम सभी को जल संचयन की ओर पुरजोर कोशिश करनी है। अब से कुछ ही देर में परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी महोदय हमारे साथ जुड़ेंगे और हम कार्यक्रम को विधिवत आरंभ करेंगे। माननीय राज्य मंत्री जल शक्ति हमारे बीच यहाँ पर पधार चुके हैं, आपका अभिनंदन करते हैं सर। और साथ ही हमारे साथ यहाँ पर मंच पर उपस्थित है गजेंद्र सिंह शेखावत सर, तो उनका भी हम अभिनंदन करते हैं। तो आपकी करतल ध्वनि तो एक बार बनती है, जोरदार तालियां हो जाए प्लीज इस अभिनंदन के लिए। से कुछ ही देर में माननीय प्रधानमंत्री महोदय हमारे साथ जुड़ेंगे और कार्यक्रम को विधिवत आरंभ किया जाएगा।
बड़े हर्ष के साथ मैं ये सूचित करना चाहूंगी कि हमारे साथ अनेकों अनेक जो हमारे देश के अलग अलग हिस्सों से जो हमारे हमारे हित करता है वो सभी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही हमारे साथ उपस्थित हो चुके हैं मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री और साथ ही हमारे साथ यहाँ मंच पर उपस्थित हैं माननीय मंत्री जल शक्ति, माननीय राज्य मंत्री जल शक्ति। आप सभी का हम अभिनंदन करते हैं, मंचासीन गणमान्यों का हम अभिनंदन करते हैं, सचिव जल शक्ति का भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आप सभी को हम बताना चाहेंगे कि आज जिस प्रकार हम सभी लोग जल संरक्षण और जन संचयन के समक्ष अपना ये पहला कदम लेकर एकत्र हुए हैं ताकि हम सभी लोग इस जल की व्याख्या को समझ सकें, इसकी जो महत्ता है उसको पूरी तरह से समझ सकें, तो हमें लगता है कि आज का ये जो हमारा कार्यक्रम है ये जल संचयन की ओर हम सभी की मुहिम को जन भागीदारी का रूप देगा और एक बहुत बड़ा रूप विकसित होगा। अब से कुछ ही देर में हम आपको बता दें कि हम आप सभी को बता दें कि अब से कुछ ही देर में माननीय प्रधानमंत्री जी जो कि हमारे साथ ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे समक्ष यहाँ पर हैं, तो मैं चाहूंगी आप सभी की तालियों की गड़गड़ाहट के साथ एक बार उनका अभिनंदन हो जाए। कार्यक्रम के आरंभ बिंदु को स्पर्श करते हुए मैं अनुरोध करना चाहूंगी माननीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी से कि आप आज के कार्यक्रम के बारे में अपने विचार हम सभी के साथ साझा करें, तो आपकी तालियों के साथ उनका स्वागत करते हैं। आत्मनिर्भरता के रास्ते से देश को संपन्न, शक्तिशाली, समृद्ध और नया भारत बनाने के सपने को लेकर अनवरत, अंथक, साधनारत विश्व के सबसे लोकप्रिय राजनेता श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी, आज इस ऐतिहासिक अवसर पर हम सब के बीच में उपस्थित मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी, राज्यों के मंत्रीगण, कार्यक्रम में उपस्थित जल शक्ति मंत्रालय में मेरे साथी आदरणीय रतनलाल कटारिया जी, मंच पर उपस्थित भारत सरकार के अधिकारीगण, इस कार्यक्रम में तकनीकी के माध्यम से जुड़े हुए विभिन्न जनप्रतिनिधिगण, भारत सरकार और राज्यों के सरकारों के विभिन्न अधिकारीगण, मैं आप सबको विश्व जल दिवस वर्ल्ड वाटर डे की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं और आप सबका आज इस ऐतिहासिक क्षण में आप सबका स्वागत करता हूं। साथियों, आज का दिन निश्चित रूप से भारत के जल क्रांति के इतिहास में जिसका सूत्रपात श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में प्रधानमंत्री बनने के साथ में किया था और जिसे एक नया आयाम 2019 में दूसरी बार प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद उन्होंने जल शक्ति मंत्रालय के एकीकरण के साथ में दिया। इस यात्रा में एक सुनहरा अध्याय आज इस महत्वपूर्ण दिन लिखा जाने वाला है। देश के लगभग एक बहुत बड़े भूभाग में हर साल बाढ़ का प्रकोप होता है और लगभग उतने ही समानुपाती क्षेत्र में हर साल सूखे का प्रकोप झेलना होता है। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक सपना देखा था कि सरप्लस बेसिन से डेफिसिट बेसिन में पानी का ट्रांसफर किया जा सके और उसके लिए नदियों को आपस में जोड़ने की आवश्यकता है और इसके लिए संभावनाओं को तलाश किया जाना चाहिए। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि पिछले 5 वर्ष में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस दिशा में जिस तरह से प्रगति हुई, 30 ऐसे लिंक आइडेंटिफाई किए गए थे और उन 30 लिंक्स में से जो नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान के तहत प्रमुख लिंक थे उनमें से एक लिंक केन और बेतवा नदी को जोड़ने का, जिसका जिस पर दोनों राज्यों मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्रियों ने एक दूरदर्शिता पूर्वक निर्णय पूर्ण निर्णय करते हुए इस योजना को
मैं के लिए अपनी सहमति प्रदान की है। आज उस नदी जोड़ने की परियोजना का नए युग का प्रारंभ इस आज इस कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी की गरिमामयी उपस्थिति में आगाज हो रहा है। निश्चित रूप से वर्षों से प्यासी बुंदेलखंड की यह धरती के लाखों लोगों के जीवन में इस योजना के माध्यम से आमूलचूल परिवर्तन आने वाला है। 62 लाख लोग पीने के पानी के लिए, जो बूंद बूंद पानी के लिए तरसते थे, ऐसे बुंदेलखंड के 62 लाख लोगों के जीवन में पीने के पानी प्रचुरता के साथ सतत रूप में हमेशा उपलब्ध रहे, ऐसा इस परियोजना का परिणाम होने वाला है। दोनों राज्यों के मिलाकर के 12 लाख से ज्यादा हेक्टेयर जमीन का किसान अब आने वाले समय में हर साल में 2-3 बार अपने फसल, अपने खेतों में हल चला करके फसल उपजा सकेगा और निश्चित रूप से इसके माध्यम से उसकी आमदनी 2 गुना नहीं, कई कई गुना बढ़ने वाली है। और इसका आशीर्वाद माननीय प्रधानमंत्री जी और हम सबको निश्चित रूप से आने वाले समय में मिलने वाला है। ये केवल एक योजना का श्री गणेश नहीं, एक नए युग का सूत्रपात माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है। आने वाले समय में हम देश में ऐसी अनेक परियोजनाओं पर काम करते हुए देश को जल समृद्ध बनाने की दिशा में कई कदम आगे बढ़ सकेंगे। मित्रों, आज का दिन और भी महत्वपूर्ण है कि जब 2019 में एकीकृत जल शक्ति मंत्रालय बनाने के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने जल शक्ति अभियान की परिकल्पना इस देश को दी थी। देश के 256 जिले, जो जिले पानी के संकट से जूझ रहे हैं, जहां सबसे कम पानी उपलब्ध है, ऐसे वाटर स्ट्रेस 256 जिलों में जल शक्ति अभियान प्रारंभ किया गया था। और जल शक्ति अभियान के माध्यम से उस समय जिस तरह से जो काम हुआ, उसके माध्यम से हजार परियोजनाएं, ऐसे छोटे छोटे जो पानी को संचय करने की संरचनाएं, उन अवसंरचनाओं का विकास हुआ या उनका पुनरुद्धार हुआ। लगभग 12 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाए गए, लगभग 2,73,000 जल संरक्षण और वर्षा जल संरक्षण की ऐसी संरचनाओं को विकसित किया गया। और इस जल शक्ति अभियान की अपार सफलता के बाद गत वर्ष, क्योंकि पेंडेमिक की अवस्था थी, हम इसे आगे नहीं बढ़ा पाए, लेकिन फिर भी हमने कोरोना महामारी के प्रतिबंधों के बावजूद देश की सरकार और राज्य के सरकार के विभिन्न संस्थानों में विद इन द कैंपस हमने वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर कंजर्वेशन के स्ट्रक्चर्स पर काम किया। और मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस काम को आगे बढ़ाते हुए 700 जिलों तक ले जाना, देश के सभी जिलों तक ले जाना, ऐसा सुनिश्चित किया है। और माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने जब पिछले अपने मन की बात कार्यक्रम में फरवरी में जब देश को संबोधित करते हुए इस विषय को देश के सामने रखा था, और आपने इसकी थीम के बारे में जो उल्लेख किया कि कैच द रेन वेयर इट फॉल्स एंड व्हेन इट फॉल्स, जहां कहीं भी बरसात की एक बूंद गिरे और जब कभी भी गिरे, हम उसे संचय करें, संचित बूंद का उचित संरक्षण करें, संरक्षित जल का विवेकपूर्ण उपयोग करें और उपयोग किए हुए जल को पुनः चक्रित करके उसे शुद्ध करके वापस से उपयोग करें, बार बार उपयोग करें, आपका ये मंत्र निश्चित रूप से देश को जल समृद्ध बनाने की दिशा में आगे लेकर के जाएगा। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि 624 जिलों में जो हमने इस कार्यक्रम के लिए पिछले दिनों में जागरूकता अभियान प्रारंभ किया था, उस जागरूकता अभियान में जिसमें नेहरू युवा केंद्र हमारे साथ में जुड़ा था, विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाएं भी हमारे साथ में जुड़ी थी, 1,20,00,000 लोगों ने जो है इस जागरूकता अभियान में हिस्सा लिया है। आज हम सब अत्यंत सौभाग्यशाली हैं कि आपका मार्गदर्शन आज हमें इस अवसर पर मिलेगा। और निश्चित रूप से आज जो सारे देश भर की ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधि, चुने हुए जनप्रतिनिधि जो आज इस कार्यक्रम में सहभागी बने हैं, जो इस कार्यक्रम को साक्षात आपके मार्गदर्शन को देख का लाभ लेने का जिनको अवसर मिलेगा, निश्चित रूप से आज आपके कार्यक्रम के बाद में जो जल सभाएं होंगी, उन ग्राम सभाओं में जहां जल के विषय को लेकर के चिंता होगी, चर्चा होगी, प्लानिंग होगी और उसके अनुरूप उसका एग्जीक्यूशन होगा, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में एक जन सहभागिता से बनी एक जल क्रांति का सूत्रपात होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं एक बार फिर आपका आभार और अभिनंदन करना चाहता हूं, आपको समय देने के लिए, मार्गदर्शन, सतत मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए आपका अभिनंदन करना चाहता हूं। और आपसे अनुरोध करता हूं, यदि आप अनुमति प्रदान करें तो इस केन बेतवा लिंक को जोड़ने की जो परियोजना है, इसको
दिखाने के लिए हमने एक छोटी सी लघु फिल्म बनाई है, यदि आप अनुमति प्रदान करें तो उस लघु फिल्म को हम जब सबके लिए चित्रित कर सकें। धन्यवाद, सबका आभार, अभिनंदन। धन्यवाद महोदय। और अब जैसा कि आपने अनुमति मांगी है माननीय प्रधानमंत्री महोदय से, तो केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट पर बना ये एक लघु चलचित्र आप सभी लोगों के समक्ष। हर साल करीब एक तिहाई देश में सूखा तो औसतन 4 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र में बाढ़। ये असंतुलन अगर खत्म हो जाए तो देश की अपार जल संपदा विनाश की नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ विकास की कहानी लिखेगी। यही वो सपना था जिसे भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी ने देखा था और जिसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने साकार करने का प्रण लिया है, जिसका आगाज महत्वाकांक्षी और बहुप्रतीक्षित केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट से होने जा रहा है। एक अटल जी का सपना था रिवर ग्रिड का, नदियों को जोड़ने का, केन बेतवा को जोड़ने का हमने बिड़ा उठाया है। नदियों को जोड़ने की प्रधानमंत्री की भीष्म प्रतिज्ञा के पीछे बूंद बूंद पानी के लिए तरसने वाले बुंदेलखंड क्षेत्र के लोगों को स्थायी राहत देने का संवेदनशील विजन है। अगर केन बेतवा जोड़ दी गई और पानी जमीन में जाना शुरू हो गया तो पूरे बुंदेलखंड में जब पानी बहुत नीचे गया है वो पानी ऊपर आना शुरू हो जाएगा, हर कोने में किसान को उसका लाभ होगा। इसके तहत केन नदी के 2800 MCM से ज्यादा बाढ़ के पानी को दौधन बांध द्वारा संचय किया जाएगा। केन के अतिरिक्त पानी को बेतवा नदी में भेजने के लिए 221 किलोमीटर लंबी लिंक नहर बनाई जानी है। इस क्षेत्र में विभिन्न टैंकों को, जलाशयों को लिंक परियोजना के साथ एकीकृत किया जाएगा। बुंदेलखंड की प्रगति और विकास का नया सूर्योदय हो रहा है। मैं इस परियोजना के लिए जो सहकारी संघवाद का एक उत्तम उदाहरण है माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस परियोजना का लाभ मध्य प्रदेश के 9 जिलों पन्ना, टीकमगढ़, छरपुर, सागर, दमोह, दतिया, विदिशा, शिवपुरी और रायसेन के साथ ही उत्तर प्रदेश के 4 जिले बांदा, महोबा, झांसी और ललितपुर को सीधे तौर पर मिलेगा। केन बेतवा लिंक परियोजना देश की पहली नदी जोड़ परियोजना है। मेरा दृढ़ विश्वास है यह परियोजना उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड और उसके नजदीकी क्षेत्रों में भरपूर जल उपलब्ध करवाने में मददगार साबित होगी। बुंदेलखंड इलाके की तस्वीर बदलने वाली केन बेतवा परियोजना के पूरा होने पर दोनों राज्यों के 13 जिलों की 10.62 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि में सिंचाई के लिए पानी मिल सकेगा। करीब 62 लाख लोगों को पीने के लिए शुद्ध जल उपलब्ध हो सकेगा और साथ ही कुल 130 मेगावाट बिजली उत्पादित होगी। केन बेतवा परियोजना से बुंदेलखंड के किसानों को सिंचाई के लिए मिलेगा पर्याप्त पानी और पूरे इलाके में खुलेंगे संभावनाओं के नए द्वार। विकास की इमारत हम सभी लोग देखते हैं लेकिन बहुत कम लोगों को ऐसा सौभाग्य प्राप्त होता है कि वो नींव का पत्थर भी देख सकें। और आज हम सभी लोगों को ये सौभाग्य मिला है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की गरिमामयी उपस्थिति में आज हम लोग उस ऐतिहासिक क्षण का साक्षात कर सकें जो आगे चलकर हम सभी के लिए नींव का पत्थर बनकर विकास की इमारत बनाएगा। मैं अनुरोध करना चाहूंगी माननीय जल शक्ति मंत्री महोदय, मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि आप केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट से संबंधित दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने का कष्ट करें। आप सभी की करतल ध्वनि इस ऐतिहासिक क्षण के लिए। धन्यवाद महोदय। अब इसके साथ ही हम सभी लोग जिस चीज के बारे में यहाँ बात कर रहे हैं
वर्षा जल संचयन, क्योंकि हमें यह समझना जरूरी है कि जब वर्षा की एक एक बूंद संरक्षित की जाएगी तो जो हमारा कल है वो अपने आप सुरक्षित हो जाएगा। तो मैं अनुरोध करना चाहूंगी माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी से कि आप जल शक्ति अभियान कैच द रेन कैंपेन का औपचारिक रूप से शुभारंभ करें। जल एक अमूल्य निधि है और जल संरक्षण की महत्ता को समझते हुए 2019 में जल से जुड़े सभी कार्यों को एक मंत्रालय के अंतर्गत कर जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया गया, ताकि बेहतर वाटर मैनेजमेंट सुनिश्चित किया जा सके और भारत के हर नागरिक को पीने के लिए साफ पानी उपलब्ध हो। लोकतंत्र की सफलता तब होती है जब जन भागीदारी से देश चले। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जल संचय को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया और इस दूर दृष्टि को संपूर्ण करने हेतु 2019 में जल संकट से जूझ रहे 256 जिलों में जल शक्ति अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान के परिणाम स्वरूप लोगों में जल संरक्षण के प्रति अटूट जागरूकता आई और इस दिशा में सफलता पूर्वक कई कार्य किए गए, जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स का निर्माण, ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज में सुधार, वृक्षारोपण इत्यादि। साथ ही हर घर जल और अटल भूजल जैसी कई योजनाओं को क्रियान्वित किया गया, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में करोड़ों लोगों के घर पानी पहुंचा और ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज का बेहतर मैनेजमेंट होने लगा। इसी दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन के साथ जल शक्ति मंत्रालय द्वारा एक कैंपेन शुरू किया जा रहा है, जल शक्ति अभियान कैच द रेन, जिसका मूल मंत्र है कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स। इस कैंपेन को प्री मॉनसून और मॉनसून अवधि में इस बार भारत के सभी जिलों के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रारंभ किया जा रहा है, ताकि जन भागीदारी के साथ ये जल आंदोलन जन आंदोलन का रूप ले सके। तो आइए हम सब मिलकर वर्षा जल संचयन की मुहिम को सफल बनाएं। वाकई तो जिस प्रकार एक एक बूंद से सागर भरता है, उस प्रकार एक एक बूंद से खाली भी होता है। इसीलिए हमें याद रखना है कि हर व्यक्ति को अपने हिस्से का दिया खुद जलाकर अंधेरे को रोशन कर देना है, ताकि अंधेरे का कोई भी कण हम लोगों को छू ना सके। इसके साथ ही मैं आप सभी के साथ साझा करना चाहूंगी कि आज हमारे साथ कुछ सरपंच और पूर्व सरपंच यहाँ पर उपस्थित हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की अनुमति के साथ मैं ये अनुरोध करना चाहूंगी उन सरपंचों और पूर्व सरपंचों से कि जिन्होंने जल प्रबंधन में उल्लेखनीय कार्य किया है, वो अपने अनुभवों को हमारे साथ साझा करें, क्योंकि अनुभवों से हमें दो चीज सीखने को मिलती हैं। एक, हम क्या अच्छा कर रहे हैं जिसे और आगे लेके जाना है, और दो, कौन सी ऐसी चीज है जिस पर हमें और काम करना है, ताकि हम लोग हर तरीके से विकास को गतिशील कर सकें। सबसे पहले मैं अनुरोध करना चाहूंगी श्री संतोष बाला साहेब कुंभारकर जी से, जो कि सरपंच हैं उदाचीवाड़ी पुरंदर तालुका पुणे महाराष्ट्र से। आपसे मैं अनुरोध करूंगी कि आप कृपा करके अपने अनुभव साझा करें। नमस्कार संतोष जी। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते संतोष जी। सम्माननीय हाँ बोलो सर। आप तो जमीनी स्तर पर काम करने वाले व्यक्ति है। हाँ हाँ। आपने पानी को प्राथमिकता दी, आपने लोगों को जगाया, लोगों को दौड़ाया और बहुत बड़ा बदलाव लाए हैं। तो मैं सिर्फ आपके विचार सुनना चाहता हूँ, सारे पूरा देश आपका विचार सुनना चाहता है, आपका अनुभव सुनना चाहता है, तो बताइए। सम्माननीय प्रधानमंत्री जी और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जी, राज्य मंत्री जी, इन सबका मैं पहले आभार व्यक्त करता हूँ इस कार्यक्रम में हमको शामिल किया। जल शक्ति अभियान के पहले हमारे गांव में बारिश कम थी, पानी कम था, गांव में पानी का टैंकर आता था पीने के लिए। जल शक्ति अभियान में नए नए स्ट्रक्चर बने, जैसे कि सीसीटी, डीप सीसीटी, शेतड़े हो गए और जो हमारा तालाब है उसका दुरुस्ती हो गया।
बारिश आगे जाके बारिश हुई, बारिश होने के बाद हमारे जो पानी का स्रोत है वो बढ़ गया, कुएं का पानी ऊपर आ गया और हमारी पुरानी पीक पद्धति थी ज्वार बाजरे उसमें बदल हो गए, शुगर केन जैसे पीक पद्धति आ गई, उससे हमारे और पानी का वाटर टैंकर बंद हो गया अभी इस साल हमारे गांव का, और हमारे आगे जाके वाटर हार्वेस्ट और आर्थिक जीवन मान हमारा ऊंचा होने लगा है अभी, और हमने खाली इस काम से चीज की होती है संतोष जी। हाँ, ज्यादा खेती किस बात की होती है? हमारे इधर ज्यादा खेती पहले धान की होती थी, अभी हमारे इधर फ्रूट होने हैं, अंजीर सीताफल जैसे फ्रूट लगे हैं, शुगर केन लगे हैं। अगर शुगर केन लगाओगे तो फिर तो पानी बहुत लगेगा। हाँ, पानी हो गया है सर जी इस साल तक। संतोष जी देखिए, ये गलती कर दी आपने, इतनी मेहनत की, इतना पानी बचाया, हाँ, और अगर शुगर केन की खेती में चले जाएंगे तो शुगर केन को तो बहुत पानी लगता है, तो बाकी किसानों को बहुत मुश्किल हो जाएगा। नहीं नहीं, अभी आपने शुगर केन में स्प्रिंकलर का या ड्रिप इरिगेशन का उपयोग करते हैं? हाँ, वही तो, अभी हमने ड्रिप लगाए, स्प्रिंकलर लगाए शुगर केन की खेती में, प्याज की खेती भी हमारे इधर और फ्रूट की खेती भी बढ़ गई है। देखिए, हमारे किसानों के मन में एक धारणा बन गई है कि शुगर केन की खेती जब तक लबालब पानी नहीं भरा है तब तो होती नहीं है, ये भ्रम दूर करना पड़ेगा। जैसे पानी बचाने का अभियान आपने किया है, वैसे ही पानी उपयोग करने का भी अभियान कर देगा। कोई जरूरत नहीं है इतना पानी उपयोग करने की, खेती में भी जरूरत नहीं है, बूंद बूंद पानी से बहुत कुछ होता है। अभी तो हमारे इधर ड्रिप का प्रमाण ज्यादा है सर जी। हाँ, तो आप सिखाओगे लोगों को? हाँ, अभी चलिए संतोष जी, आपको सुनकर के बहुत संतोष हुआ, मेरी तरफ से आपको भी बधाई और आपके क्षेत्र के लोगों को भी बधाई कि जिन्होंने आपके नेतृत्व में इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। धन्यवाद धन्यवाद। और कहा जाता है कि किसी भी कार्य की संपन्नता के लिए महिलाओं का उसमें एक सम्मिलित होना बहुत जरूरी होता है ताकि हम उस कार्य को एक बहुत बड़ा आयाम दे सकें। तो अब मैं अनुरोध करना चाहूंगी श्रीमती विद्या बेन से, जो कि सरपंच हैं पटदी नर्मदा डिस्ट्रिक्ट गुजरात से, कि आप कृपा करके अपने अनुभव हम सभी के साथ बांटें। नमस्ते, नमस्ते। स्टेज पर सभी महोदय का मेरा प्रणाम। और सबसे पहले मैं सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि मुझे इतने बड़े स्टेज पे बोलने का मौका मिला है। और साथ साथ जल शक्ति अभियान के मंत्रालय के मंत्री जी और राज्य कक्षा के मंत्रालय के मंत्री जी का मैं आभार मानती हूँ। 2016 से मैं सरपंच का पद संभाल रही हूँ। तब से पहले हमारे यहाँ पानी की बहुत दिक्कत हो रही थी और जब गर्मियों के दिन आते थे तब पानी का बहुत दिक्कत होती थी। तब गांव में एक ही हेडपंप था जहाँ से हम सभी महिलाएं पानी लेने के लिए जाते थे, तब घंटा दो घंटा हमको रुकना पड़ता था और उस महिलाओं में से हम भी एक। और इसी को देखकर हमने गांव में सभी लोगों को साथ मिलकर सोचा कि हमें पानी का संचय करना चाहिए, पानी को रोकना चाहिए। इसीलिए हमने पानी की शक्ति बढ़ाने के लिए हमने गांव में सरकारी 2-10 मिनी स्वजल धारा बनवाई है और जल नल से जल कार्यक्रम है, इसमें से 415 नल कनेक्शन लगवाए हैं और घर घर में इस नल में पानी आता है। और जो बारिश का पानी है वो बह ना चाहिए, इसीलिए हमारे समय के दौरान हमने 10 चेक डैम बनवाए हैं जिससे हमें पानी का संचय कर सकते हैं। और इस पानी के संचय के वजह से हमने हमारे जो गांव के बोरवेल है वो रिचार्ज बड़ी तकलीफ नहीं होती। और हम गांव लोगों ने सभी मिलकर लोगों की परिश्रम
और सरकारी जो फंड है और कंपनी से फंड लेकर हमने एक बहुत बड़ा तालाब का निर्माण किया है और उस तालाब में जो बारिश का पानी है उस पानी से हमारे जो तालाब के आसपास जो किसान है उसके कुएं भी रिचार्ज हुए हैं और अभी उसको पानी मिल रहा है। क्या बहन आप सरपंच कब से हैं? 2016 से। और गांव कौन सा आपका? पाटड़ी ग्राम पंचायत नर्मदा जिला गुजरात। तो आपका ससुराल है ये, तो आपका मायका कहाँ है? देड़ियापाड़ा से। तो फिर वहां भी ये बात पहुंचाई है क्या? माँ बाप को भी और अपने चाचा मामा को सबको बताया है क्या आप कितना बढ़िया काम कर रही हो? जी सर, हमारे घर वाले बहुत खुश है कि मैं इतना बड़ा काम कर रही हूँ। यार ससुराल वाले तो पानी बचा रहे, मायके वाले बचा रहे कि नहीं बचा रहे? नहीं, वो भी बचा रहे हैं सर। अच्छा, लोगों ने आपको मदद की पूरी पानी बचाने में? हाँ सर, पानी बचाने में हम गांव लोगों ने सब साथ मिलकर तालाब का निर्माण किया है। गांव लोग गांव वाले कहते होंगे ये विद्या बहन अपने आप को क्या बड़ी तीसमार का मानती है, वही हमको कौन सिखाने वाली पानी बचाओ, हमारे यहाँ तो नर्मदा नदी बहुत पास में है, हमें क्या जरूरत है पानी बचाने की, ऐसा सब कहा होगा लोगों ने? नहीं सर, पहले हमें बहुत परेशानी होती थी पानी के लिए और उसे हमने लोगों को पानी की जो महत्व है वो हमने समझाया, उसे सब हम साथ मिलकर पानी बचाने में लगे हैं। तो सब लोग अभी पानी बचाने का महत्व समझ रहे हैं? समझ रहे हैं सर। देखिए, आदिवासी समाज ने हमारे देश को बहुत बड़ी शिक्षा दी। आदिवासी पानी को जितना पवित्र मानता है, आदिवासी समाज में पानी के प्रति जो श्रद्धा भाव है इतना ऊंचा है, क्योंकि मैं तो आपके इलाके में काम करके आया हूं तो मुझे मालूम है, अगर पूरे देश के लोग सिर्फ आदिवासी समाज के संस्कार सीख ले पानी के संबंध में तो भी देश में पानी की समस्या हल हो जाएगी। इतना पवित्रता का भाव आदिवासी समाज में, सदियों से संस्कार आदिवासी समाज में है, ये हम सबको सीखना है। और विद्या बहन, मैं आपको बधाई देता हूँ कि आपने इस काम को आगे बढ़ाया, नई पीढ़ी को सिखाया है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। धन्यवाद सर। और वाकई माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल सही कहा कि अच्छे संस्कार ही जो हैं वो हम लोगों के चरित्र को ऐसा निर्मित करते हैं कि हम आगे जाके उस दिशा में काम कर सकें। अब मैं अनुरोध करना चाहूंगी श्री किशोर कुमार शर्मा जी से, जो कि शक्करगढ़ जहाजपुर भीलवाड़ा राजस्थान से हैं, कि आप कृपा करके अपने अनुभव हम सभी के साथ साझा करें। सर्वप्रथम सम्माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी का, जल शक्ति मंत्री महोदय का सादर नमस्कार। आज इस शुभारंभ के मौके पर हमारी ग्राम पंचायत को यहाँ उपस्थित होने का अवसर प्रदान किया, उसके लिए हार्दिक आभार। मान्यवर, राजस्थान भयावह अकाल की स्थिति के बारे में जाना जाता है, हमारे क्षेत्र में बहुत अकाल पड़ता था। मैं काफी समय से पंचायत राज से 25 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ, उनके अनुभवों के माध्यम से मैंने समुदाय को इकट्ठा करके जल संग्रहण के बारे में जल चेतना रैली निकाल करके जागरूक करने का काम किया। और फिर हमने एफईएस संस्था के माध्यम से जितने हमारे ग्राम पंचायत क्षेत्र में नदी नाले निकलते हैं उनका एक सर्वे करा करके एक एस्टिमेट तैयार करके प्लानिंग तैयार किया कि इस पानी को, जो बारिश का पानी है, इसका संग्रहण कर सकते हैं। तो इसके अंदर जल ग्रहण विभाग, जिला प्रशासन द्वारा हमें सहयोग प्रदान किया गया। उनके माध्यम से हमने 40 कच्चे पक्के इनलेटों का निर्माण करके 250 टीएमसी पानी का, वर्षा जल का संग्रहण करके लोगों को उससे ट्रीटमेंट करके और जो पुराने जल स्रोत थे उनका निर्माण करके, उनका पुनर्निर्माण करके लोगों को ये समझाने का प्रयास किया कि ये जल हमारा जीवन है और जल ही कल की शक्ति है। इस चीज को समझाने के बाद उस जल संग्रहित पानी को, जो वर्षा जल संग्रहित हुआ, उसके अंदर हमने
विभागों को शामिल करते हुए कृषि विभाग के माध्यम से ये सहयोग लेने का काम किया कि इस जल से जो अतिरिक्त जल हमें प्राप्त हुआ है, कम पानी में हम कैसी अच्छी फसलें पैदा कर सकते हैं, ये सारी चीजें हमने समुदाय को इकट्ठा करके समझाने का प्रयास किया। चरागाह डेवलपमेंट का काम किया, 1200 एकड़ हमने जब चरागाह को डेवलप किया उसके अंदर ट्रेंचेज गेबियन वगैरह बना करके पानी को संग्रहित किया, जिससे काश्तकारों को लाभ हुआ। और जो बकरी और भेड़ हमारा एटीएम का काम करती है ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को, कि कभी भी बेच करके उस भेड़ और बकरी को वो अपने परिवार के शिक्षा के लिए, जन कल्याण के लिए, स्वास्थ्य के लिए उपयोग में ले सकते हैं। उन सारी चीजों को हमने जब जन समुदाय को समझाने का प्रयास किया तो जन समुदाय हमारे साथ जुड़ता गया और इस तरीके से जल संग्रहण के काम में हमने काम किया। भविष्य में भी आज के शुभारंभ दिन के दिन अवसर पर हम आपको आश्वासित करना चाहते हैं कि इस जल संग्रहण के कार्यक्रम को जल प्रबंधन और भविष्य में जल संरक्षण की उपयोगिता पंचायत समिति सदस्य हैं श्रीमान, जनता का प्रेम और आपका मार्गदर्शन और आशीर्वाद हमें नई ऊंचाइयों पे ले जाएगा। देखिए अनुभव कितनी बड़ी ताकत होती है वो किशोर जी आपने दिखा दिया। और मुझे लगता है अब बूंदी का नाम बूंद बूंद जल क्रांति वाला बन जाएगा। सर मैं भीलवाड़ा से हूँ पर आज वहाँ चुनाव होने की वजह से मुझे बूंदी आना पड़ा सर। हाँ मैं भीलवाड़ा जिले का रहने वाला हूँ। आप भीलवाड़ा से हैं? जी सर, जी सर। अच्छा आपके यहाँ आबादी कितनी है, जनसंख्या कितनी है गांव की? 6123 है सर। अच्छा है ना, बड़ा गांव है। जी सर। अच्छा अभी पानी का लेवल कितना ऊपर आया होगा? 100 से 125 फीट पे रह गया सर, पहले 200 से 250 फीट पे था। फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा होती थी इसलिए मेरे अड़ोसी पड़ोसियों को देख करके इस जल संग्रहण की मेरी इच्छा जागृत हुई सर। मेरे गाँव में बहुत सारे बुजुर्ग लोग है जो कुबड़े हो गए सर फ्लोराइड के पानी की वजह से। ये लोगों को समझ है? जी सर। पानी में फ्लोराइड होने से उनके दांतों पर पीले दाग हो जाते हैं, हड्डियां डब मुड़ जाती हैं, ये वहां के लोगों को मालूम है कि सब पानी से होता है? जी सर, कैंप लगा करके मैंने जागरूकता का भी और स्वास्थ्य विभाग के कैंप लगा करके भी मैंने इस तरीके के किए हैं सर। मैंने आंखों के कैंप भी लगाए ग्राम पंचायत के माध्यम से सर, प्रतिवर्ष 27 वर्ष से लगा रहे हैं सर। और मैंने निर्मल ग्राम, मुझे लगता है देखिए राजस्थान और गुजरात वाले जी ये पानी का कष्ट क्या होता है वो बहुत भली भांति समझते हैं। जी जी, तो हम मैं भी गुजरात से आता हूँ और गजेंद्र सिंह जी हमारे राजस्थान से आते हैं जी, तो पानी की दिक्कत क्या होती है वो हम लोग तो बचपन से देखते आए हैं और इसलिए पानी का महत्व क्या है वो भी हम जानते हैं जी। और इसलिए मैंने भारत सरकार में मंत्री भी उस जगह से बनाया है जो पानी के बिना जिंदगी गुजार के आया। इसके लिए हमारा बहुत बहुत आभार सर आपको और राजस्थान वासियों की तरफ से संपूर्ण आभार। इसको समझा है सर मैंने और हमारी महिलाओं का श्रम को बचाने के लिए मैंने SHG ग्रुप तैयार किए सर। मेरे ग्राम पंचायत में 72 SHG ग्रुप है जिनसे 570 महिलाओं को जोड़ा है सर। 2,80,00,000 रुपए का उनको छोटे छोटे कुटीर उद्योग लगाने के लिए मैंने उपलब्ध कराया है सर। आत्मनिर्भर बनाने के लिए मैं मेरी ग्राम पंचायत को पूरी तरीके से प्रयासरत हूं सर। चलिए किशोर जी आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से। थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद सर। सर राजस्थान पधारे आप, मैं मेरा आपसे और माननीय मंत्री महोदय से हार्दिक निवेदन है कि एक बार जरूर आप भीलवाड़ा में हमारा को आशीर्वाद देने पधारे सर। बात आप ले जाइए, आ जाएगी हम तो। धन्यवाद। और अब मैं अनुरोध करना चाहूंगी श्री अरविंद जियाल जी से जो कि टुंगी विलेज से हैं, देवप्रयाग ब्लॉक टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड। तो आपसे मैं अनुरोध करना चाहूंगी कि आप अपने अनुभव हमारे साथ बांटें।
जी सादर प्रणाम। नमस्ते जी। माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी एवं जल शक्ति मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री जी को और इस विश्व जल दिवस की सबसे पहले आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं ग्राम पंचायत तुंगी देवप्रयाग से, जहां से माँ गंगा का उद्गम स्थल होता है, उत्तराखंड का रहने वाला हूं और उत्तराखंड में भौगोलिक परिस्थितियां विभिन्न हैं। यहां पर पानी को रोक पाना, जैसा कि आप समझते हैं, बहुत मुश्किल होता है क्योंकि यहां पर जो है पहाड़ी इलाके हैं। भौगोलिक विषम परिस्थितियों के बावजूद भी हमारी जो हमारे साथी युवा साथी रहे हैं, उन्होंने परंपरागत तौर पर जो उत्तराखंड में खेती होती है उस पर हमने जो है पहले सर्वे किया और सर्वे करने के बाद हमें जो जानकारियां प्राप्त हुई कि उत्तराखंड के पर्वतीय जो क्षेत्र थे, ऊपर ज्यादा ऊंचाई पर जो क्षेत्र थे, वहां पर जो लोग छानियों में रहकर खेती करते थे, तो वो लोग चाल खाल के कॉन्सेप्ट को अपनाते थे और उस चाल खाल के कॉन्सेप्ट से जो है हमारा जो ग्राउंड वाटर था उसका लेवल बढ़ता था। तो इसी पर काम करते हुए हमारे ग्राम पंचायत की महिलाओं ने, हमारे युवा साथियों ने काम किया और चाल खाल का जो है हमने इस समय अपने ग्राम सभा में प्रस्तावित मनरेगा के तहत जो है योजना को हमने रखा है। साथ ही हमारे युवा साथियों ने और हमारी ग्राम सभा की महिलाओं ने जो हमारे जल स्रोत हैं उनके आसपास फलदार पौधों का भी जो है लगाए हैं और उनका देख रेख, उनका संरक्षण, उनका सही रख रखाव हम लोगों के द्वारा किया जा रहा है ताकि हमारा जो जल स्रोत है वह शुद्ध रहे और उसका जो पानी का जो शुद्धिकरण है वो निरंतर होता रहे। साथ ही हमने बरसात का जो पानी लगातार नीचे की ओर बहता था और जो गंदा पानी गाँव में जो सड़कों में या हमारे गलियों में जो निकलता था उसको रोकने का हमने प्रयास किया है, जिसके लिए हमने सोखते गड्ढों का, हर घर में जो है सोखते गड्ढों का निर्माण कराया और बरसात के पानी का और आपके जो गंदे पानी का उसके निकासी के लिए सोखते गड्ढों को हमने किया है, कार्य किया है ताकि वाटर लेवल जो है बढ़ सके। दूसरा, हमने जो हमारे गंगा नदी में जो गदेरे हमारे गांव से निकलते थे उन गदेरों पर हमने नहर बनाते हुए उन नहरों से डाइवर्ट करके अपने खेतों में हम पानी लाए हैं और अब उस पानी से हमारे यहाँ खेती होती है और उसके आसपास के जो स्रोत हैं वो भी रिचार्ज होने लगे हैं। अरविंद जी, आप कितने साल से इस पानी के पीछे लगे हो? जी, मैं तकरीबन 2015-16 से भारतीय वन्य जीव संस्थान के साथ जुड़ करके मैं भारत का पहला गंगा प्रहरी बना और गंगा प्रहरी बनने के बाद मुझे भारतीय वन्य जीव संस्थान NMC जी से लगातार जो दिशा निर्देश मिले उन पर मैंने कार्य किया। हमारे 5 राज्यों में गंगा प्रहरियों की पूरी टीम है और वह सब पर्यावरण को लेके, जन संरक्षण को लेके कार्य करते हैं। लगभग 5-6 साल हो चुके हैं और उसी के अनुभव के आधार पर मुझे मेरे ग्रामवासियों ने ग्राम प्रधान निर्विरोध चुना। अरविंद, आप मूल कहाँ के रहने वाले? जी, हम मूल रूप से तुंगी गांव के हैं और माँ गंगा का उद्गम स्थल देवप्रयाग टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड से का मैं रहने वाला हूँ। वहां पर पानी की स्थिति क्या है आपके यहाँ, जहाँ आप जहाँ पैदा हुए? जहाँ हम पैदा हुए हैं वहां पर हमारे स्रोत हैं और प्राचीन अगर इतिहास देखें तो वहां पर शांता नदी है जो कि हमारी माँ गंगा से मिलती है, तो हमारे यहाँ पर स्रोत का जो पानी है काफी बहुयात मात्रा में है। देखिए अरविंद जी, मैं जब भी उत्तराखंड आया हूँ और मैं वहां की धरती से बहुत जुड़ा रहा हूँ, मैं हमेशा एक बात देखता था और बोलता भी था कि पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी कभी पहाड़ के काम नहीं आता है। जवानी है वो भी कहीं रोजी रोटी के लिए चली जाती है और पानी भी आता तो बहुत है लेकिन बह जाता है। और मैंने कहा था कि अगर हमें उत्तराखंड का भला करना है तो पहाड़ का पानी पहाड़ के लिए लगाना है और अगर पानी पहाड़ का, पानी का पहाड़ के लिए लग जाएगा तो पहाड़ की जवानी तो वहां काम आगे ही आगे, और उस काम को आप आगे बढ़ा रहे हैं। मुझे खुश सुनकर के बहुत अच्छा लगा। मैं आपको बहुत बधाई देता हूँ, बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। और अपने अनुरोध करना चाहूंगी श्री श्रीनिवास जौनकर जी से, जो कि सरपंच हैं धुपत महागांव बिदर डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक से, कि आप कृपा करके अपने अनुभव हमारे साथ बांटें। श्रीनिवास नमस्ते जी, क्या हुआ, बिदर डिस्कनेक्टेड है क्या? सुनाई दे रहा है श्रीनिवास को मेरी बात?
श्रीनिवास जी नमस्कार। नमस्ते। आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जी और राज्य मंत्री जी को मेरे तरफ से शरण शरणार्थी। सर बताइए मेरे क्या क्या काम किया है आपने। हाँ सर, मेरे पंचायत में 12th सेंचुरी का एक बहुत बड़ा तालाब था सर, वो गगवा करके नाम से है सर, वो महात्मा बसवेश्वर के उनके साथीदार थे सर, उनके नाम से ही वो तालाब है। और वो पिछले 2 साल से सूखा पड़ा हुआ था सर, वो अभी हमने पिछले साल लॉकडाउन में मनरेगा के इसमें 120 लोगों को लेके पूरा उसका डिसल्टिंग करके सर उसका पूरा काम किए हैं सर। अभी उसी तालाब में 120 फीट तक पानी है सर, अभी हमारे यहाँ वो काम किए हैं सर हमने, और उससे हमारे पास वाटर लेवल वाटर ग्राउंड लेवल भी अभी उससे बढ़ा है सर अभी, और उससे 800 लोगों को पीने के लिए पानी सुविधा हुआ है सर उससे, और जानवर को भी उसी से पानी पिलाने का पूरा ये हो गया है सर। हाँ सर। नहीं, आप ये जो काम शुरू किया, हाँ तो लोगों को समझाया कैसे आपने? हाँ, नहीं, गांव में हम लोग ग्राम सभा करके सबको बिठा के उनसे बात करके उनसे उनका हेल्प लेके ये सब काम किया है सर हमने। नहीं, गांव वालों ने तो कह दिया होगा हमारा क्या लेना देना है, तो सरकार का काम है, हमारे यहाँ सरकार को करना है तो सरकार करेगी, हम क्यों करेंगे? आजकल तो ऐसी फैशन हो गई है ना। नहीं, हमारे यहाँ पे पानी का बहुत समस्या था सर, तो उनको काम उनको हेल्प करना ही था सर, कैसे ही उनको पानी चाहिए था, तो सब हमारे गाँव के लोग मिलके सब काम किए हैं सर हमने। अच्छा, आसपास के गांव के लोग ये देखने आते हैं, समझने के लिए आते हैं कैसे आपने इतना बड़ा काम किया है? आते हैं सर, और हम आसपास के गांव में भी जाके ये लोग काम चालू किए हैं सर, हम मतलब हमारे पंचायत के जितना स्टाफ है पूरा जाके हम दूसरे गांव में भी ये सब काम कर रहे हैं सर। हम लोग मदद कर रहे हैं? कर रहे हैं सर। हाँ सर, कर रहे हैं। और ये जल जीवन मिशन, लोग तो कहते होंगे सरकार बजट दे दे, मोदी ये कर दे, मोदी वो कर दे, दिखना कर दे, हम तो बात देखेंगे, ऐसा तो नहीं है ना? नहीं, ऐसे नहीं है सर, हम लोग उनको वो भी बोले हैं सर, वो भी करेंगे और हम भी करना पड़ेगा सर, हम लोग हेल्प किए तो ये सब काम होगा सर। हमने लोगों को समझाया है, सब लोगों से हमको बहुत हेल्प मिल रहा है सर, सब लोग मिलके हेल्प कर रहे हैं हमको। देखिए, आपके गांव वालों को विश्वास हुआ है? हाँ हुआ है सर, हुआ है सर, कि जनता जनार्दन जब काम हाथ में लेती है, हाँ सर, वो काम बहुत अमूल्य बन जाता है। होता है सर, होता है सर, बहुत उसका महत्व बढ़ जाता है। आज हमारे गांव में ग्राम सभा चल रहा है सर, आप सभी लोग पूरा गांव के लोग आपको लाइव देख रहे हैं सर, और आज पूरा हम गांव के सभी लोग प्लेज करने वाले हैं सर, पानी बचाने के इसमें हम लोग काम करेंगे बोल के प्लेज करने वाले हैं सर, हमारे गांव के पूरे लोग सब लोग आपको लाइव देख रहे हैं सर अभी। अच्छा, इस पानी का, हाँ सर, ज्यादा उपयोग क्या हो रहा है? इतनी मेहनत करके आपने पानी बचाया है, हाँ, क्या उपयोग हो रहा है? गाँव में 800 लोगों को पीने के लिए उसी से पानी मिल रहा है सर हम लोगों को, और उससे वाटर लेवल जो ग्राउंड लेवल वाटर रहते हैं वो भी बढ़ रहा है सर उससे, और जानवर ग्राउंड लेवल बढ़ रहा है। हाँ बढ़ रहा है सर। कितना ग्राउंड लेवल बढ़ा है? पहले 300 से लेके 400 फीट तक था सर, अभी 150 to 160 तक आ गया है सर वो। क्या लगता है इस बार बारिश में कैसे पानी बचाओगे, क्या सोचा है गाँव वालों ने? हम उसके ऊपर ना सर, हमारे टीम हमारे पे ग्रुप है, एनजीओ है टीम युवा करके, उससे हम पिछले नवंबर से उसमें काम कर रहे हैं सर। हम लोग अभी गांव में 4 ओपन वेल और 4 चेक डैम उसको आइडेंटिफाई करके उसके ऊपर काम किए हैं सर, और उसमें से 2 अभी स्टेप वेल रेडी है सर, मतलब कैच द रेन के लिए रेडी है सर, और बाकी का भी काम चालू है। मैं तो आपके माध्यम से, हाँ सर, सारे देश के सरपंचों से आग्रह करूंगा सर कि हो सके उतना जल्दी ग्राम सभा बुलाओ, हाँ सर, और अभी हमारे पास 2-3 सप्ताह है बारिश आने के बीच में, तो जितनी तैयारी हो जाए अभी से तैयारी करें, और पानी बचाने के लिए पूरा गांव उसकी जिम्मेवारी तय हो कि कहां का पानी कौन बचाएगा, पानी जमीन में वापस कैसे जाएगा, हमारे तालाब कुएं उसकी सफाई करके पानी ज्यादा ज्यादा कैसे रखेंगे, कैनाल है तो इसकी सफाई करके कैसे रखेंगे। ये अगर अभी से ग्राम सभा करके किया, सरकार का इंतजार नहीं करना है, सरकार के सर्कुलर का इंतजार नहीं करना है, बस पानी हमारे लिए है, परमात्मा ने हमारे लिए पानी दिया है,
अगर हम नहीं बचाएंगे तो कौन बचाएगा। ये अगर विश्वास लेकर के जैसे आपने शुरू किया है, ग्राम सभा में मिला करके तय करते हैं तो पूरा गांव जुड़ जाता है। तो श्रीनिवास जी आपको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। सर शरणु शरणार्थी सर, धन्यवाद महोदय। वाकई हमारे ये जितने विलेज वॉरियर्स हैं ये बहुत ही सजगता के साथ कार्य कर रहे हैं और नेकी का कार्य कर रहे हैं, जो सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत जरूरी है। और ये चीज कही जाती है कि नेकी करके जो दरिया में डाल दोगे अभी, तो वही तूफानों में कश्तियां बनकर साथ देगी कभी। तो हमारी कोशिश यही है कि सभी लोग मिलकर इस जल संरक्षण की ओर कार्य करें। और इस कार्य के लिए जब हम कहते हैं कि एक जन भागीदारी का आह्वान चाहिए, सो व्हाट बेटर देन द क्लेरियन कॉल फ्रॉम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो मैं अनुरोध करना चाहूंगी माननीय प्रधानमंत्री महोदय से कि आप अपने शब्दों के छींटे हम सभी लोगों पर बिखराएं और सभी को प्रेरित करें। आप सभी की करतल ध्वनि के साथ हम उनका अभिनंदन करते हैं। नमस्कार। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्रीमान गजेंद्र सिंह शेखावत जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह जी चौहान, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, जनशक्ति राज्य मंत्री श्री रतनलाल कटारिया जी, अलग अलग राज्यों और जिलों के सभी माननीय अधिकारीगण, देश के गांव गांव से जुड़े और इस आंदोलन को चलाने का सबसे बड़ा जिम्मा जिसका है, ऐसे पंच और सरपंच गण, दूसरे सभी जनप्रतिनिधिगण, मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज मेरा सौभाग्य है कि मुझे हिंदुस्तान के अलग अलग कोने में हमारे गांव के जो लीडर हैं वो प्रकृति के लिए, पानी के लिए, वहां की जन सुखाकारी के लिए कैसे एक साधक की तरह साधना कर रहे हैं, सबको जोड़ करके आगे बढ़ रहे हैं। मुझे उन सब की बातें सुन करके एक नई प्रेरणा मिली, नई ऊर्जा मिली और कुछ नए आइडियाज भी मिले। मुझे विश्वास है कि हमारे इन प्रतिनिधियों से आज जो बातें हुई है, जिन जिन लोगों ने सुनी होगी, हर किसी को कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा। मुझे भी सीखने को मिला है, हमारे अधिकारियों को भी सीखने के लिए मिला है, जनता जनार्दन को भी सुखने के लिए मिलेगा। मुझे खुशी है कि जल शक्ति के प्रति जागरूकता बढ़ रही है, प्रयास भी बढ़ रहे हैं। आज इंटरनेशनल वाटर डे, पूरी दुनिया आज ये जल के महत्व को उजागर करने के लिए इंटरनेशनल वाटर डे मना रहा। इस अवसर पर हम दो महत्वपूर्ण कार्य के लिए जुटे हैं। आज एक ऐसे अभियान का शुरुआत हो रही है जिसको मैंने मेरे मन की बात में भी कहा था, लेकिन आज दुनिया के सामने एक उदाहरण मिले इसलिए और भारत में पानी की समस्या का समाधान हो इसलिए कैच द रेन की शुरुआत के साथ ही केन बेतवा लिंक नहर के लिए भी बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। अटल जी ने उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के लाखों परिवारों के हित में जो सपना देखा था उसे साकार करने के लिए आज समझौता हुआ है और ये बहुत बड़ा काम हुआ है। अगर आज कोरोना न होता और अगर हम झांसी में आकर के, बुंदेलखंड में आकर के, चाहे उत्तर प्रदेश हो या मध्य प्रदेश हो,
आज ये कार्यक्रम करते तो लाखों लोग आते और हमें आशीर्वाद देते, इतना बड़ा महत्वपूर्ण काम हो रहा है। भाइयों और बहनों, 21वीं सदी के भारत के लिए पानी की पर्याप्त उपलब्धता बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है। पानी हर घर हर खेत की जरूरत तो है ही, जीवन के अर्थव्यवस्था के हर पहलू के लिए ये बहुत जरूरी है। आज जब हम तेज गति से विकास की बात कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो ये वाटर सिक्योरिटी के बिना, प्रभावी वाटर मैनेजमेंट के बिना संभव ही नहीं है। भारत के विकास का विजन, भारत की आत्मनिर्भरता का विजन हमारे जल स्रोतों पर निर्भर है, हमारी वाटर कनेक्टिविटी पर निर्भर है। इस बात की गंभीरता को समझकर दशकों पहले हमें इस दिशा में बहुत कुछ करने की जरूरत थी। और मैं आपको गुजरात के अनुभव से कहता हूं, अगर हम योजनाबद्ध तरीके से जन भागीदारी के साथ पानी बचाने की पहल करेंगे तो हमें पानी समस्या नहीं लगेगी, पानी हमें पैसों से भी ज्यादा कीमती ताकत के रूप में उभर करके आएगा। ये काम बहुत पहले होना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य से जितनी मात्रा में होना चाहिए, जितने व्यापक स्वरूप में होना चाहिए, जन जन की भागीदारी से होना चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं कमी रह गई। नतीजा ये कि जैसे जैसे भारत विकास के पथ पर बढ़ रहा है, जल संकट की चुनौती उतनी ही बढ़ती जा रही है। अगर देश ने पानी की बचत पर ध्यान नहीं दिया, पानी का दोहन नहीं रोका, तो आने वाले दशकों में स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगी। और हमारे पूर्वजों ने हमें पानी दिया है, ये हमारी जिम्मेवारी है कि हमारी आगे वाली पीढ़ी को हमें पानी सुरक्षित देकर के जाना चाहिए। इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। और इसलिए हम तय करें कि हम पानी को बर्बाद नहीं होने देंगे, हम पानी का दुरुपयोग नहीं होने देंगे, हम पानी के साथ पवित्र रिश्ता रखेंगे। ये हमारी पवित्रता पानी को बचाने के लिए काम आएगी। ये देश की वर्तमान पीढ़ी का दायित्व है कि वो आने वाली पीढ़ियों के लिए अभी से अपनी जिम्मेदारी निभाएं। भाइयों और बहनों, हमें वर्तमान की स्थिति को बदलना भी है और भविष्य के संकटों का अभी से समाधान भी तलाशना है। इसलिए हमारी सरकार ने वाटर गवर्नेंस को अपनी नीतियां और निर्णयों में प्राथमिकता पर रखा है। बीते 6 साल में इस दिशा में अनेक कदम उठाए गए हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हो या हर खेत को पानी अभियान हो, पर ड्रॉप मोर क्रॉप इसका अभियान हो या नमामि गंगे मिशन, जल जीवन मिशन या अटल भूजल योजना, सभी पर तेजी से काम हो रहा है। साथियों, इन प्रयासों के बीच ये भी चिंता का विषय है कि हमारे देश में वर्षा का अधिकांश जल बर्बाद हो जाता है। भारत वर्षा जल का जितना बेहतर प्रबंधन करेगा,
उतना ही ग्राउंड वाटर पर देश की निर्भरता कम होगी। और इसलिए कैच द रेन जैसे अभियान चलाए जाने और सफल होने बहुत जरूरी है। इस बार जल शक्ति अभियान में विशेष ये भी है कि इसमें शहरी और ग्रामीण क्षेत्र दोनों को शामिल किया जा रहा है। मॉनसून आने में अभी कुछ हफ्तों का समय है, इसलिए इसके लिए हमें अभी से पानी को बचाने की तैयारी जोरों पर करनी है। हमारी तैयारियों में कमी नहीं रहनी चाहिए। मॉनसून के आने से पहले ही टैंक्स की, तालाबों की सफाई हो, कुओं की सफाई हो, मिट्टी निकालना हो तो वो काम हो जाए, पानी संग्रह की उनकी क्षमता बढ़ाना है, वर्षा जल बहकर आने में उसके रास्ते में कहीं रुकावटें न हो तो उसको हटाना है। इस तरह के तमाम कार्यों के लिए हमें पूरी शक्ति लगानी है। और इसमें कोई बहुत बड़े इंजीनियरिंग की जरूरत नहीं है। कोई बहुत बड़े बड़े इंजीनियर आकर के कागज पर बहुत बड़ा डिजाइन बना दे उसके बाद कोई जरूरी नहीं है। गांव के लोगों को चीजें मालूम है, वो बड़ी आसानी से कर लेंगे। कोई कराने वाला चाहिए बस। और इसमें टेक्नोलॉजी का जितना ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाए उतना ही बेहतर होगा। मैं तो चाहूंगा अब मनरेगा का एक एक पैसा, एक एक पाई बारिश आने तक सिर्फ 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 इसी काम के लिए लगे। पानी से संबंधित जो भी तैयारियां करनी है, मनरेगा का पैसा अब कहीं और नहीं जाना चाहिए। और मैं चाहूंगा इस कैंपेन को सफल बनाने में सभी देशवासियों का सहयोग आवश्यक है। आप सभी सरपंचगण, सभी डीएम, डीसी और दूसरे साथियों की भी बहुत बड़ी भूमिका है। मुझे बताया गया है कि आज इसके लिए विशेष ग्राम सभाएं भी आयोजित की गई हैं और जल शपथ भी दिलाई जा रही है। ये जल शपथ जन जन का संकल्प भी बनना चाहिए, जन जन का स्वभाव भी बनना चाहिए। जल को लेकर जब हमारी प्रकृति बदलेगी तो प्रकृति भी हमारा साथ देगी। हमने बहुत बार सुना है कि अगर सेना के लिए कहा जाता है, सेना के लिए कहा जाता है कि शांति के समय जो सेना जितना ज्यादा पसीना बहाती है, युद्ध के समय खून उतना कम बहता है। मुझे लगता है ये नियम पानी को भी लागू पड़ता है। अगर हम पानी बारिश के पहले अगर हम मेहनत करते हैं, योजना करते हैं, पानी बचाने का काम करते हैं, तो अकाल के कारण जो अरबों खरबों का नुकसान होता है और बाकी काम रुक जाते हैं, सामान्य मानवी को मुसीबत आती है, पशुओं को पलायन करना पड़ता है, ये सब बच जाएगा। इसलिए जैसे युद्ध में शांति के समय पसीना बहाना ये मंत्र है, वैसे ही जीवन बचाने के लिए वर्षा के पहले जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे उतना उपकारक होगा। भाइयों और बहनों, वर्षा जल से संरक्षण के साथ ही हमारे देश में नदी जल के प्रबंधन पर भी दशकों से चर्चा होती रही है। हमने देखा है कई जगह पर डैम बने हैं लेकिन डिसिल्टिंग ही नहीं हुआ है। अगर हम थोड़ा डिसिल्टिंग करें, उसमें जरा जो इंजीनियर है उनकी मार्गदर्शन में करना चाहिए, तो भी पानी ज्यादा रुकेगा, ज्यादा रुकेगा तो ज्यादा दिन चलेगा। और इसलिए उसी प्रकार से हमारी नदियां, हमारे कैनाल, ये सारी चीजें हैं, बस करने की जरूरत है। देश को पानी के संकट से बचाने के लिए इस दिशा में अब तेजी से कार्य करना हम सबकी जिम्मेवारी है।
केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट भी इसी विजन का हिस्सा है। मैं मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश वहां के दोनों मुख्यमंत्री, दोनों सरकारें और दोनों राज्य की जनता, आज मैं उनको जितनी बधाई दूं उतनी कम है। आज इन दो नेताओं ने, इन दो सरकारों ने इतना बड़ा काम किया है जो हिंदुस्तान के पानी के उज्जवल भविष्य के लिए इस स्वर्णिम पृष्ठ से लिखा जाएगा। ये मामूली काम नहीं है, ये सिर्फ एक कागज पे उन्होंने साइन नहीं किया है, इन्होंने बुंदेलखंड की भाग्य रेखा को आज ये नया रंग रूप दिया है, बुंदेलखंड की भाग्य रेखा बदलने का काम किया है। और इसलिए ये दोनों मुख्यमंत्री, उन दोनों राज्य की सरकारें, उन दोनों राज्य की जनता बहुत अभिनंदन के अधिकारी है। लेकिन मेरे बुंदेलखंड के भाइयों, आपकी भी जिम्मेवारी है इस काम में, इतना जुटिए कि केन बेटवा का काम हमारे आंखों के सामने पूरा हो जाए और पानी हमें दिखाई देने लगे, हमारे खेत हरे भरे लगने लगे। आइए मिलकर के करें। हम इस प्रोजेक्ट से जिन जिलों की लाखों लोगों को, किसानों को पानी तो मिलेगा ही, इससे बिजली भी पैदा होगी, यानी प्यास भी बुझेगी और प्रगति भी होगी। भाइयों और बहनों, जब प्रयास भगीरथ जितने बड़े हो तो हर लक्ष्य प्राप्त होता ही है। और आज हम देश में जल जीवन मिशन में भी ऐसा ही होते देख रहे हैं। सिर्फ 1.5 साल पहले हमारे देश में 19 करोड़ ग्रामीण परिवारों में सिर्फ 3.5 करोड़ परिवारों के घर नल से जल आता था। मुझे खुशी है कि जल जीवन मिशन शुरू होने के बाद इतने कम समय में ही लगभग 4 करोड़ नए परिवारों को नल का कनेक्शन मिल चुका है। इस मिशन की भी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके मूल में जन भागीदारी है, लोकल गवर्नेंस का मॉडल है। और मैं तो कहूंगा, और मेरा ये अनुभव से मैं कहता हूं, ये जल जीवन मिशन में जितनी ज्यादा मात्रा में बहने आगे आएगी, जितनी ज्यादा मात्रा में बहने इस जिम्मेवारियों को लेगी, आप देखिए पानी का मूल्य माताएं बहने जितना समझती है ना, वो और कोई नहीं समझ सकता है। माताओं बहनों को पता होता है अगर पानी कम है तो घर में कितनी मुसीबतें झेलनी पड़ती है। अगर उस मां के हाथ में पानी की व्यवस्था देंगे, उस बहन के हाथ में पानी की व्यवस्था देखे, आप देखिए ये माताएं बहने ऐसा परिवर्तन ला करके देसी, ऐसा परिवर्तन ला करके देगी जो शायद हम सोच भी नहीं सकते। आप सभी पंचायती राज के साथी भली भांति जानते हैं कि इस पूरे प्रोग्राम को गांव ही संभाल रहे हैं, गांव ही चला रहे हैं। विशेषकर मैंने पहले कहा उसी प्रकार से हमारी महिलाओं के नेतृत्व में इसको आगे बढ़ाइए, आप देखिए परिणाम मिलना शुरू हो जाएगा। मुझे खुशी है कि स्कूल हो, आंगनवाड़ी हो, आश्रमशालाएं हो, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हो, कम्युनिटी सेंटर हो, ऐसे स्थानों पर प्राथमिकता के आधार पर नल से जल पहुंचाया जा रहा है। साथियों, जल जीवन मिशन का एक और पहलू है जिसकी चर्चा कम ही होती है। हमारे यहां आर्सेनिक और दूसरे प्रदूषणों से पानी, जो कुछ प्रकार के एलिमेंट युक्त होता है, केमिकल युक्त होता है, ये बहुत बड़ी समस्या है। दूषित पानी के कारण बहुत तरह की बीमारियां लोगों का जीवन तबाह कर देती है, उसमें भी हड्डियों की बीमारी जीना मुश्किल कर देती है। इन बीमारियों को अगर हम रोक पाए तो अनेक जीवन बचा पाएंगे। इसके लिए पानी की टेस्टिंग भी उतनी ही जरूरी है।
लेकिन अगर वर्षा का पानी बहुत बड़ी मात्रा में बचाएंगे तो बाकी जो ताकत है वो कम हो जाएगी। आजादी के बाद पहली बार पानी की टेस्टिंग को लेकर किसी सरकार द्वारा इतनी गंभीरता से काम किया जा रहा है, और मुझे इस बात की भी खुशी है कि पानी की टेस्टिंग के इस अभियान में हमारे गांव में रहने वाली बहनों बेटियों को जोड़ा जा रहा है। कोरोना काल के दौरान ही 4.5 लाख से ज्यादा महिलाओं को वाटर टेस्टिंग की ट्रेनिंग दी जा चुकी है। हर गांव में कम से कम 5 महिलाओं को पानी टेस्ट करने के लिए ट्रेन किया गया जा रहा है। वाटर गवर्नेंस में हमारी बहनों बेटियों की भूमिका को जितना अधिक प्रोत्साहित किया जाएगा उतना ही बेहतर नतीजे मिलना तय है। मुझे विश्वास है कि जन भागीदारी से, जन सामर्थ्य से हम देश के जल को बचाएंगे और देश के कल को हम फिर से एक बार उज्जवल बनाएंगे। मेरा एक बार फिर देश के सभी नौजवानों को, सभी माताओं बहनों को, सभी बच्चों को, लोकल बॉडीज को, सामाजिक संस्थाओं को, सरकार के विभागों, सभी राज्य सरकारों से आग्रह है कि जल शक्ति अभियान को सफल बनाने के लिए हम सब एक संकल्प लेकर के आगे बढ़े। आने वाले सौ दिन पानी की तैयारी, जैसे घर में बड़े मेहमान आने वाले हो, जैसे गांव में बारात होने वाली हो, तो गांव कैसी तैयारी करता है? महीने भर पहले से तैयारियां शुरू हो जाती है, बारात आने वाली। ये बारिश आने के लिए पूरे गांव में ऐसी तैयारी होनी चाहिए, भाई बारिश आने वाली है, चलो भाई पानी बचाना है। ये एक प्रकार का उमंग उत्साह ये शुरू हो जाना चाहिए। आप देखिए, एक बूंद बाहर नहीं जाएगा। और दूसरा, जब पानी आता है तो फिर दुरुपयोग करने की आदत भी बन जाती है। मेरा आग्रह है, पानी बचाना जितना जरूरी है उतना ही पानी विवेक बुद्धि से उपयोग करना भी जरूरी है, इसको हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। मैं फिर एक बार आज विश्व जल दिवस पर, वर्ल्ड वाटर डे पर, पानी को लेकर के इस जागरूकता अभियान को और जिन महा सरपंचों ने, जिन्होंने धरती पर काम किया है, जिन नौजवानों ने धरती पर पानी के लिए अपना मिशन बनाया है, ऐसे अनेकों लोग हैं। आज तो मुझे 5 लोगों से बात करने का मौका मिला, लेकिन हिंदुस्तान के कोने कोने में ऐसे लोग हैं। ऐसी सारी शक्तियों को नमन करते हुए आइए हम पानी के लिए प्रयास करें, पानी को बचाने के लिए हम सफल हो और पानी हमारे धरती को पानीदार बनाए, पानी हमारे जीवन को पानीदार बनाए, पानी हमारी अर्थव्यवस्था को पानीदार बनाए, हम एक ऊर्जा से भरा हुआ राष्ट्र बन के आगे बढ़े, इसी एक कल्पना के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। जल संचयन और जल संरक्षण से जुड़े सभी हितधारकों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का हम तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और अंत में मैं बिल्कुल ये बात कहना चाहूंगी कि यदि हम लोग बरसातों के बाद इंद्रधनुष जैसी सफलता को देखना चाहते हैं तो जरूरी है कि उसकी तैयारी हम आज से ही करें। बरसातों से पहले बरसात के पानी को कैसे उसका संचयन करना है, उसकी तैयारी हमें आज से ही करनी पड़ेगी। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मंचासीन सभी गणमान्यों को प्रणाम। एक बार आप सभी की करतल ध्वनि के साथ हम इस जन भागीदारी को आगे बढ़ाते हैं। धन्यवाद सर।